भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटे में 47,704 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 654 लोगों की मौत हुई है और कुल 35,175 मरीज ठीक हुए हैं। बता दें कि ये लगातार छठा दिन है जब 45,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हों। हालांकि इस दौरान टेस्टिंग में भी काफी तेजी कर दी गई है। पिछले दो दिनों में 10 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। बढ़ते कोरोना वायरस से न केवल देश बल्कि विश्व भी परेशान है। ऐसे में कोविड-19 की वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कोविड-19 के इलाज के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित टीके के तीसरे और मानव पर अंतिम चरण के परीक्षण के लिए देश भर में 5 स्थानों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DBT की सचिव रेणु स्वरूप ने कहा कि भारतीयों को टीका देने से पहले देश के भीतर आंकड़े उपलब्ध होना आवश्यक है। ऑक्सफोर्ड और उसके साझेदार एस्ट्राजेनेका ने टीके की सफलता के बाद विश्व के सबसे बड़े टीका निर्माता द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसके उत्पादन के लिए चुना है। आपको बता दें कि ICMR भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी मानव ट्रायल शुरू हो चुका है। कोवैक्सीन कुछ चयनित लोगों को लगाई जाएगी। इस महत्वपूर्ण परीक्षण का हिस्सा बनने के लिए काफी लोग खुद सामने आ रहे हैं। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया CII BCG टीके का तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट DBT के मुताबिक करीब 6,000 स्वास्थ्य कर्मियों पर और अधिक खतरे का सामना कर रहे लोगों ने ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है। इस परीक्षण में ये पता लगाया जाएगा कि कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में RBCG कारगर है या नहीं। वहीं क्षय रोग से बचने के लिए सभी नवजात शिशुओं को राष्ट्रीय बाल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत BCG का टीका दिया जाता है। क्षय रोग बैक्टीरिया से होता है और इससे सबसे अधिक फेफड़े प्रभावित होते हैं। गौरतलब है कि ICMR द्वारा 12 केंद्रों में से एक आयुर्विज्ञान संस्थान और SUM अस्पताल में बहुप्रतीक्षित BBV152 कोविड-19 टीके या कोवैक्सीन का परीक्षण भी शुरू हो गया है। इस तरह से देश भर में कोविड-19 की वैक्सीन बनाने का प्रयास जोर शोर से चल रहा है।